टाइप्स ऑफ फ्रूट यानी कि फलों के प्रकार। आज हम लोग जानेंगे कि फल के जो है कितने प्रकार होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि फल का निर्माण जो है किससे होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि फलों का निर्माण जो है वो क्या होते हैं, मैच्योर ओवरी से होते हैं। किससे होते हैं, परिपक्व अंडाशय से होते हैं। तो इनके आधार पर, किसके आधार पर, डेवलपिंग के आधार पर कि ये फल जो है किससे बन रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, टाइप्स ऑफ फ्रूट। क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रूट यानी कि फल के प्रकार। क्या बोलेंगे, फल के प्रकार। किसके आधार पर कि फल का निर्माण जो है किससे होता है, तो ओवेरी से होता है। किससे होता है, ओवेरी से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। यही परिपक्व अंडाशय जो है मॉडिफाई कर जाते हैं किसमें, फ्रूट्स में। किसमें, फ्रूट्स में, यानी कि ये क्या करते हैं, फल का निर्माण करते हैं। और इनके अंदर ओवेरी के अंदर पाए जाते हैं क्या चीज़, ओव्यूल। ओव्यूल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडप कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडप। और जो बनाते हैं, कन्वर्ट होते हैं किसमें, सीड में। किसमें, सीड यानी कि ये बीज का निर्माण कर, ये क्या करते हैं, बीज का निर्माण करते हैं। यानी कि ओवेरी आपका क्या चीज़, फल बनाता है, और ओव्यूल जो आपका क्या बनाता है, सीड आता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें फलों के अंदर पाए जाने वाले बीज की, तो नंबर ऑफ ओव्यूल इज इक्वल टू है नंबर ऑफ सीड। यानी कि फलों के अंदर जितने पाए जाएंगे आपके ओव्यूल, उतने ही संख्या में क्या पाए जाएंगे। हम लोग क्या करें, टाइप देखें तो फल जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, फल जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, थ्री टाइप्स। कितने, तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक ट्रू फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं, सत्य फल बोलेंगे। दूसरा जो है वो क्या है, फॉल्स फ्रूट। क्या है, फॉल्स, फॉल्स फ्रूट है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, मिथ्या फल। क्या कहेंगे, मिथ्या फल कहेंगे। और क्या बोले इसको हम लोग, झूठा फल कहेंगे, झूठा फल कहेंगे। और एक और है आपका पार्थिनोकार्पिक। क्या है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेचित फल। क्या बोलेंगे, अनिषेचित फल। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट्स यानी कि फल का निर्माण किससे हो रहा है, तो इसके आधार पर हम लोगों ने क्या किया, फल को तीन हिस्से में कैटेगराइज किया, फ्रूट को तीन हिस्से में कैटेगराइज। पहला आपका है क्या चीज, ट्रू फ्रूट्स जिसे हम लोग सत्य फल कहते हैं, और सत्य फल यानी कि फॉल्स फ्रूट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडोकार्पिक, स्यूडोकार्पिक भी कहते हैं, या स्यूडो फ्रूट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडो फ्रूट्स यानी झूठा फल होगा। और जो तीसरा है वो है पार्थिनोकार्पिक टाइप ऑफ फ्रूट्स, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट्स, डेवलपमेंट यानी कि फल का निर्माण किससे होता है, तो ओवेरी से होता है। किससे होता है, ओवेरी से, यानी कि मैच्योर ओवेरी जो है, परिपक्व अंडाशय जो है वो क्या बन जाते हैं, फ्रूट्स बनाते हैं। तो इन्हीं के आधार पर कि किनका निर्माण ओवेरी से होता है, किनका नहीं होता है, और जो है बिना निषेचन के ही होता है। तो इसके आधार पर हम लोगों ने क्या किया, इसको अलग अलग हिस्सों में कैटेगराइज किया, टाइप में बांटा, कैटेगराइज किया। तो पहला हम आपका क्या है, अगर फर्स्ट देखें तो इसमें है आपका सत्यफल। सत्यफल जो है वैसे फ्रूट्स को कहते हैं जिसका निर्माण किससे होता है, ओवेरी से होता है। किससे होता है, ओवेरी से होता है, यानी डिपेंड ओवेरी या मैच्योर ओवेरी से होगा ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सत्यफल कहेंगे। जैसे मैंगो, टोमेटो, ये सब के सब क्या हैं, सत्य फलों के उदाहरण। अगर हम लोग क्या करें, असत्य फल की बात करें जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहेंगे। क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट जिसे हम लोग झूठा फल कहते हैं। क्या कहते हैं, झूठा फल कहते हैं, या मिथ्या फल, मिथ्या फल कहेंगे। तो इस तरह के फल का जो निर्माण होगा ना, यानी कि फॉल्स फ्रूट का जो निर्माण होगा ना, वह क्या होगा, एक्सेप्ट ओवेरी से होगा। किससे होगा, एक्सेप्ट ओवेरी से होगा, यानी अंडाशय को छोड़कर के हिस्सा होगा ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट कहेंगे। क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट कहेंगे। जैसे आपका जो है एप्पल है, एप्पल यानी सेब, दूसरा है स्ट्रॉबेरी, ये सब के सब क्या हैं, फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल्स हैं। और अगर हम लोग बात करें तीसरे टाइप की, तीसरा टाइप में आपका क्या है, तो क्या लिखेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, यानी कि ऐसे फल जिसका निर्माण क्या होता है, बिना निषेचन, विदाउट फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन के हूँ, तो ऐसे फल को हम लोग क्या कहेंगे, अनिषेचित फल कहेंगे। क्या कहेंगे? अनिषेचित, अनिषेचित फल कहेंगे। क्या बोलेंगे? अनिषेचित फल यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन को होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनिषेचित फल यानी पार्थिनोकार्पिक टाइप ऑफ फ्रूट्स कहेंगे। और इसमें क्या होगा, बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है तो सीड फॉर्मेशन नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सीड जो होगा ना वह कैसा है, सीड नहीं बनेंगे। जैसे आपका ग्रेप्स यानी कि अंगूर, केला, ये सब के सब क्या हैं, पार्थिनो कार्पिक टाइप ऑफ फ्रूट्स। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि फल के विकास यानी कि फल का निर्माण किससे होता है, तो अंडाशय से होता है। अगर ऐसा होगा, अंडाशय से बनेंगे, अंडाशय से फल का निर्माण होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सत्य फल कहेंगे। वैसे फल जिसका निर्माण किसी से, अंडाशय से होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सत्य फल बोलेंगे। जैसे आम, टमाटर, ये सब के सब क्या हैं, ट्रू फ्रूट्स के उदाहरण हैं। अगर इसे हम लोग झूठा या मिथ्या फल कहते हैं, इसे हम लोग स्यूडोकार्पिक फ्रूट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो है ओवेरी को छोड़ करके होता है, यानी एक्सेप्ट ओवेरी से होता है, अंडाशय को छोड़ करके अन्य सारे हिस्से से होते हैं। जैसे कि आपका एप्पल है, इनके जो है थैलेमस वाले हिस्से से होते हैं, पुष्पासन वाले से होते हैं। तो इस तरह का जो फ्रूट्स होगा ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट कहेंगे या स्यूडोकार्पिक कहेंगे। क्या कहेंगे, स्यूडोकार्पिक। और तीसरा जो है वो पार्थिनोकार्पिक टाइप ऑफ फ्रूट्स है, जिसे हम लोग अनिषेचित फल कहते हैं, बिना निषेचन, यानी कि वैसे फल जिसका निर्माण बिना निषेचन के होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्थिनो कार्पिक टाइप ऑफ फ्रूट्स कहते हैं। और इसमें क्या बनते हैं, सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, यानी कि इसमें सीड का निर्माण नहीं होता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पार्थिनो कार्पिक टाइप ऑफ फ्रूट्स। तो तीन तरह के फ्रूट्स, पहला ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनो कार्पिक टाइप ऑफ फ्रूट्स।